ग्लोबल कम्युनिकेशन कराची की तरफ से इस बार जो हम फोन अनबॉक्स कर रहे हैं वो टेक्नो पोवा 2 है जो लेटेस्ट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है जिसे आप एक गेमिंग या प्योर गेमिंग फोन भी कह सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज इसका साइज है 7 इंच का इसका डिस्प्ले है 6.9 इंच का इसका डिस्प्ले है काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है सिक्स जी बी वन वाला वेरियंट जो है वो हम अनबॉक्स कर रहे हैं काफ़ी अच्छे प्राइस के अंदर ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है जो कि जिसके प्राइस जो है वो ट्वेंटी के हैं रिटेल प्राइस लेकिन अगर आप हमारे पास से परचेस करते हैं तो काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल सकता है तीन कलर्स में पाकिस्तान पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए गए हैं पोलर सिल्वर पावर ब्लू और डजल ब्लैक जो कलर हमने अनबॉक्स किया जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो ब्लैक कलर है सिलिकॉन केस इसके साथ है 18 वोट का फास्ट चार्जर है जिसे फास्ट चार्ज कर सकते हैं लेकिन 7000 थाउजेंड बैटरी के हिसाब से चार्जर थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन जब आप इसे चार्ज कर लेंगे एक बार तो काफ़ी अच्छी वेट टाइमिंग देने वाला है ये और यू पोर्ट जो है वो टाइप सी की है थ्री पॉइंट नॉर्मल आडियो जैक है इसका कैमरा काफ़ी बेहतर है 48 मेगापिक्सल का के कैमरा है रेजोल्यूशन आप अपनी स्क्रीन पे जब मैं एक्टिवेट करता हूँ आपको देख लें और ये इनकी मेहरबानी है कि ये हैंड फ्री साथ दे रहे हैं क्योंकि अब कोई ब्रांड का फोन हैंड फ्री साथ नहीं दे रहा इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे 260 ग्राम इसका वेट है गेमिंग के लिए लोग जो है वो थोड़ा सा लाइट वेट फोन को पसंद करते हैं टू जी थ्री जी फोर जी तक ये सपोर्टेड है फाइव इसके अंदर नहीं है फाइव जी अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च हुआ नहीं है लेकिन फाइव जी लोग कस्टमर जो हैं वो फाइव जी फ़ोन की डिमांड कर रहे हैं और बिल्कुल सिंसियर और बिल्कुल सच 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 और साफ बात यह है कि ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए सी पी यू जो है वो इसका अच्छा है चिपसैड इसका हीरो जी एटी फाइव है जो कि बारह एम एम अच्छा चिपसैड है गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है गेमिंग के लिए इसके अंदर एक्स्ट्रा ये है कि ये वन एटी हार्ट रिफ्रेश रेट है जो कि बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट जिसे आप कह सकते हैं मतलब अभी तक का इस प्राइस रेंज में सबसे फास्ट फोन आप इसे कह सकते हैं और जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका लुक भी और काफ़ी स्मार्ट फोन है साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो उसके हिसाब से बैटरी बहुत ज़्यादा है बैटरी की वजह से साइज बड़ा करना पड़ता है इसका जो मेन कैमरा है वो 48 एट मेगा पिक्सल का है जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगा पिक्सल का है बाकी कॉर्ड कैमरा है इसका जो कि बैक कैमरा है 2 मेगा पिक्सल टू तो मेगा पिक्सल और 2 तो मेगा पिक्सल के डेप्थ सेंसर और मैक्रो कैमरा इसके साथ हैं फ्रंट पर इसके डुअल डुअल एल ई फ्लैश लाइट है और बैक पे इसके एल ई लाइट है अच्छा तो ये जिन जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है काइंडली वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी सपोर्ट करें ताकि आपको बिल्कुल सच और साफ़ रिव्यूज़ जो फ़ोन के जो बारे में है वो आपको बताए जा सकें फ़ोन एक्टिवेट होता है तो आपको इसका कैमरे का के रिजल्ट चेक करवाता हूँ इसका बैक से काफ़ी अच्छा लुक है ग्लॉसी लुक इसका बैक से है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक इसमें एक लाइन है डिफरेंट कलर के शेड्स आ रहे हैं फ़ोन के अंदर ये इसका डिस्प्ले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फ़ोन का डिस्प्ले रेजोशन भी काफ़ी बेहतर है काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है टेक्नो में टेक्नो वापस मार्केट में इस फ़ोन से आ सकता है क्योंकि इस रेंज के अंदर काफ़ी बेहतर फ़ोन है इसका कैमरे का रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा और जिन जिन लोगों ने जो जो लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे उनको अच्छा खासा डिस्काउंट इस फ़ोन में मिल सकता है इसके प्राइस जो है वो वो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड है लेकिन अगर हमारे पास से परचेस करें तो यकीन करें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में ये फ़ोन आपको मिल सकता है आठ मेगा पिक्सल के कैमरे के हिसाब से इसका फ़्रंट कैमरा बहुत बेहतर है आठ मेगा पिक्सल के हिसाब से फ्रंट कैमरा इसका काफ़ी जज करता है सब कुछ अच्छा है इस फ़ोन में ये बिल्कुल परचेस करना चाहिए और मैं बिल्कुल दिल से ये सेल कर रहा हूँ और काफ़ी फ़ोन में सेल कर कर चुका हूँ अभी तक फ़िलहाल इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम या कोई कंप्लेंट हमें नहीं मिली है अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि